बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, क़यामत की निशानियां तकरीबन पूरी हो रही हैं, एक एक करके सब निशानियां पूरी हो रही हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियां तस्बीह के दानों की मानिंद हैं। जब तस्बीह टूटती है तो एक एक करके मोती बिखर जाते हैं। इसी तरह एक एक करके निशानियाँ पूरी हो रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि टिड्डी दल आया, ये भी एक निशानी है, क्योंकि कहत आ जाएगा दुनिया पर। इसकी वजह से भी दुनिया में कहत आ रहा है। दोस्तों, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको पूरा आगाह करूंगा। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, हाल ही में हमारी ये रिसेंटली 20 जून 2020 को इंडिया के अंदर 3-4 दिन पहले इंडिया के अंदर दो आलम दीन, जो मोतबर आलम दीन कहे जाते हैं, वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उसके बाद पाकिस्तान में 20 जून एक ही दिन के अंदर, जस्ट एक दिन के अंदर ही तीन ऐसे जय्यद उल्मा दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, जो बहुत ही नामवर और बहुत ही मोतबर थे। और इनमें से मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से तीन थे। ये थे हज़रत शेख मौलाना ख्वाजा अज़ीज़ रहमतुल्ला बहलवी, इंतकाल फरमा गए हैं, ठीक है। दूसरे जो आते हैं, बहावलपुर के मुमताज़ आलमे दीन जामिया निज़ामिया के मोहतमम हज़रत मौलाना शमसुद्दीन अंसारी भी दाए अजल को लब्बैक कह गए। जामिया बनौरिया आलमिया के रईस शेख हदीस मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब भी खालिक़े हक़ीक़ी से जा मिले। दोस्तों, इस तरह आलमों का चले जाना, और उसके बाद आपने देखा कि 21 जून को एक ही दिन बाद सूरज ग्रहण लगा, जिसको साइंसदान कह रहे हैं कि दुनिया का ख़तरनाक तरीन सूरज ग्रहण लगा। और ये दुनिया के ऊपर मुश्किल वक्त आ रहा है। अल्लाह ताला ये निशानियां बता रहा है कि आप अपने किबले को दुरुस्त कर लो, क्योंकि क़यामत बिल्कुल करीब है। तो इसी तरह दोस्तों, आप समझते होंगे कि जो दुनिया के ओवरऑल हालात बन रहे हैं, और आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म है, जो कुरान है, ये सीनों से उठा लिया जाएगा। इसी तरह उठा लिया जाएगा कि आलमों का चले जाना और मोतबर शख्सियत का चले जाना, ये भी एक इल्म था हमारे बीच। ये बहुत ही दीन का काम कर रहे थे लोग, और इनका चले जाना भी हमें ये बताता है कि इल्म और आलम, ये दोनों ही दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त हमें बहुत फिक्र करने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो हालात पैदा हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि अगर आप जुग्राफियाई तौर पर देखें तो दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं, जंगों का एक माहौल पैदा हो रहा है। तो सोचने की और फिक्र करने की लम्हा फिक्रिया हमारे पास ये है कि हम अपने खालक की तरफ लौटें, मतलब कि उनके अपने नबी सल्लम के इरशादात को उनकी तरफ लौटें, और उनकी तालीमात को दोबारा से पकड़ें, और अपने रब से तौबा तायब करें, और अपने रब से मिलने की तैयारी करें, कब्र की तैयारी करें, क्योंकि अब दुनिया के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब ये दुनिया ख़त्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। तो आप अपने ज़ाती मामलात को छोड़ो और अल्लाह की तरफ अपना रुजू करो। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए मज़ीद लाते रहें।